Please reply in the question box. Good morning, all of you. Are you all able to see my screen? Please reply. Mr. PV Murthy, Mr. Rakesh, Mr. Dheeraj, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सो मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो के वेबिनार के एंड में कि शॉर्ट नहीं करना है निफ्टी को. व्यू इज स्टिल बुलिश, यस और नो? कल भी मैंने आपको यही बोला था, करेक्ट? यस. और कल का डेली एनालिसिस वीडियो कितने लोगों ने देखा? यूट्यूब पे कितने लोगों ने कल का डेली एनालिसिस वाला वीडियो देखा? उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला है 18,200 इज अ रेजिस्टेंस लेवल. यहाँ पर हम लोगों ने 18,200, 18,300 याद होगा, कल हम लोगों ने लिखा भी था ये रेजिस्टेंस लेवल है 18,200 से लेके 18,300 और ये सपोर्ट है. अब थोड़ा सा निफ्टी का लेवल्स वापस नोट डाउन कर लेते हैं तो समझ में आएगा. निफ्टी का सपोर्ट अब ऊपर आ गया है बिकॉज काफी गैप अप हुआ है और निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस वही है 18,200, 18,300. तो रेजिस्टेंस यही है, सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर आ गया है. यू कैन सी हियर, ये देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर ही है, सपोर्ट थोड़ा ऊपर आया. तो सपोर्ट पहले लिख लेते हैं हम लोग. निफ्टी का अब सपोर्ट आ गया है 17,950 से लेके 18,050. ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है 18,200 के आसपास रेजिस्टेंस है. क्लियरली वहां से फॉल होने के चांसेस ज्यादा है. यहाँ पर आप देख भी सकते हो यहां से फॉल हो रहा है. बैंक निफ्टी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला है. बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 38,500 से लेके 38,600, वो लेवल क्रॉस कर दिया. ठीक है, सो बैंक निफ्टी का अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है डायरेक्टली 39,000 के आसपास आता है. करेक्ट, सो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस चेंज हो गया है. बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 39,000 से लेके 39,200. ये इंट्राडे लेवल है, इस लेवल के आसपास मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है. ठीक है, इंट्राडे लेवल है. बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, सपोर्ट देख लेते हैं. 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, सपोर्ट देख लेते हैं. बैंक निफ्टी का सपोर्ट ये है 38,300 से लेके 38,100 के आसपास तक, यहाँ तक ये एरिया जो है ना ये सपोर्ट है. सो बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी लिख लेते हैं हम लोग 38,100 से लेके 38,300. सो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, निफ्टी का रेजिस्टेंस है और निफ्टी का सपोर्ट है. परफेक्ट, प्लीज रिप्लाई. करेक्ट है यहां तक? लेवल क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये इंट्राडे लेवल है, अगर इस रेंज के आसपास मिलता है तो हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं. जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है तो क्वेश्चन ले सकते हैं. करेक्ट, और सपोर्ट के आसपास मिलता है तो हम लोग बाइंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं. अभी मुझे ये पेयर ट्रेड का एमटीएम बताओ. मिस्टर पीवी मूर्ति, पहले मुझे ये पेयर ट्रेड का एमटीएम बताओ. पेयर ट्रेड का मुझे एमटीएम बताओ पहले. व्हाट इज द एमटीएम? ये हम लोगों ने कल कैरी फॉरवर्ड किया था. ठीक है, ओके, होल्ड करना है, मैं आपको बोलूंगा तब एग्जिट करना है. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिया था कल? हम लोगों ने ट्रेड लिया था, एक मिनट, ट्रेंट लिया था, ये आप होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्विंग ट्रेड है. जेबी केमिकल, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये एग्जिट कर दो. जेबी केमिकल अगर आपने ये ट्रेड लिया बीटीएसटी में तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. वेट वन मिनट, मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ एसएल ऑन दिस. ठीक है, जेबी केमिकल इसमें एसएल हो गया. और पीआरएम जॉनसन होल्ड करना है, यस. बंधन बैंक में प्रॉफिट बुक कर लो. बंधन बैंक हम लोग ने बाय किया था, ये एग्जिट कर दो. ये 281 के आसपास जाके आया, इट वॉज अ बीटीएससी ट्रेड तो ये एग्जिट किया है, एग्जिटेड एट 281. ठीक है, बंधन बैंक एग्जिट कर दो. जेबी केमिकल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. एलजी इक्विपमेंट केएनआर हम लोग होल्ड कर रहे हैं. एनएलसी भी होल्ड कर रहे हैं. एनएलसी भी अगर आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो. और ये चारों ट्रेड हम लोग होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं. वेट वन मिनट, बैंक निफ्टी शॉर्ट करेंगे अगर 39,000 के आसपास दिखेगा तो, 39,100 के आसपास खुलते ही शॉर्ट नहीं करना है.
थोड़ा सा वेट कर लो, इंट्राडे में आपको ट्रेड दूंगा 39,100 के आसपास अगर मिलेगा ना, तो हम लोग बैंक निफ्टी में इंट्राडे में फ्यूचर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? करेक्ट, फ्यूचर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, बट 39,100 के आसपास, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करना है, मैं आपको बोलूंगा। यस, मैसेज दे दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं सबसे पहले, कौन सा स्टॉक रडार पर आ रहा है। वॉल्यूम स्कैन कर लेते हैं। ओ, डीएलएफ आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है आज तो, बैंक निफ्टी। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक्स भी आज ऊपर है, ठीक है। डीएलएफ है सबसे ज्यादा, डीएलएफ है। हिंडाल्को में भी काफी अच्छा वॉल्यूम है, हिंडाल्को, डीएलएफ, एमएनएम फाइनेंस। हिंडाल्को, डीएलएफ, एमएनएम फाइनेंस, ये चल रहे हैं, इसको ट्रैक करते हैं सबसे पहले। फाइनेंस के स्टॉक्स है मतलब आज, ठीक है। हिंडाल्को है, डीएलएफ है, एमएनएम फाइनेंस है, ये रहा हिंडाल्को का चार्ट। कल मेटल सेक्टर पूरा डाउन था अगर आपको याद है, ठीक है, और आज सडनली एकदम गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो शॉर्ट्स ट्रैप हो सकते हैं क्या इसमें? कल मेटल सेक्टर डाउन था और आज सडनली सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो शॉर्ट ट्रैप हो सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई, शॉर्ट ट्रैप पॉसिबल है इसमें? यस, शॉर्ट ट्रैप पॉसिबल है। यू कैन सी हियर, ये लेवल क्रॉस किया है ना, इसमें मूवमेंट आ सकता है। हिंडाल्को में मूवमेंट आ सकता है क्योंकि शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं अभी। यस, इसमें देखो जगह है, इसमें ये थोड़ा सा 500 का लेवल क्रॉस करेगा ना, तो आई थिंक बड़ा मूवमेंट आ सकता है इसमें। हिंडाल्को पे वेट एंड वॉच करते हैं। डीएलएफ भी बाय लग रहा है। यस, डीएलएफ में भी ब्रेकआउट है, यू कैन सी हियर, इसमें भी ब्रेकआउट है, करेक्ट। एमएनएम फाइनेंस देखते हैं, एमएनएम फाइनेंस में इतना कन्विक्शन कैंडल नहीं है, एमएनएम फाइनेंस में कन्विक्शन कैंडल नहीं है इतना। पैटर्न अच्छा है लेकिन उसका आवरली कैंडल अभी तक परफेक्टली बना नहीं है, तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, दो तीन, ये तीनों स्टॉक्स में थोड़ा वेट करते हैं। और कोई स्टॉक रडार पर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यस, ट्रेंड होल्ड रखना है, ट्रेंड होल्ड रखना है। आज एलगी इक्विपमेंट पे जरूर ध्यान देना, आज एलगी इक्विपमेंट चल सकता है क्योंकि ये कल कंसोलिडेट कर रहा था, एलगी इक्विपमेंट में आज मूवमेंट आ सकता है, उसके ऊपर ध्यान देना। सेल वाला काउंटर भी देखते हैं अगर कोई सेल में आया है क्या। सिप्ला सेल में आज, फार्मा स्टॉक्स डाउन है आज, सिप्ला सेल में है, टाइटन सेल में है, मैरिको सेल में है, आज फार्मा सेक्टर डाउन है, आज ग्लेनमार्क फार्मा सेल में है, सिप्ला, मैरिको, ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला एंड ग्लेनमार्क फार्मा, ये दो स्टॉक डाउन है, टाइटन भी डाउन है आज, टाइटन डाउन है और ग्लेनमार्क फार्मा डाउन है। ये इंट्राडे के लिए चेक कर लेते हैं, अगर इंट्राडे में इसमें कोई ट्रेड मिल रहा है ना, तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं एक दो, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, तो अगर ऐसे मार्केट में हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे ना, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। नहीं, सिप्ला तो नहीं लेना चाहिए, सिप्ला में तो शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नॉट अ गुड सेटअप, इसमें भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसमें भी नहीं लेना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा ट्रैपिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है ये, नहीं लेना चाहिए, ट्रैपिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है, थोड़ा वेट करते हैं। स्टॉक प्रॉपर स्कैनिंग में आए नहीं है, निफ्टी भी कई लोग शॉर्ट कर रहे होंगे गैप अप देख के, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी 39,000 तक भी जा सकता है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करते हैं। आज थोड़ा गैप अप हुआ है तो प्राइस एक्शन देख कर ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसे आंख बंद करके हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते आज, आज काफी ट्रिकी मार्केट है आज। आईआरसीटीसी शॉर्ट में आया है, सिप्ला शॉर्ट में आ रहा है, सिप्ला भी आ रहा है, आईआरसीटीसी भी आ रहा है, ठीक है, आईआरसीटीसी देख लेते हैं।
और सिप्ला भी रडार पर रखते हैं, सिप्ला और IRCTC। IRCTC भी देखो नीचे के लेवल से रिकवर हुआ है, सिप्ला भी नीचे के लेवल से रिकवर हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न है इसका, वेट करना पड़ेगा। M&M फाइनेंस चल रहा है आज, M&M फाइनेंस चल रहा है, हिंडालको चल रहा है, M&M फाइनेंस चल रहा है, DLF भी चल रहा है, यस M&M फाइनेंस चलेगा लगता है आज, वेट 1 मिनट का, यस M&M फाइनेंस आज चलेगा लगता है, वेट 1 मिनट, जगह तो है इसमें, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि लेट 9:45 तक वेट करते हैं, 3-4 मिनट कैंडल पूरा फॉर्म होने दो। समझ में आएगा विच ट्रेड इज बेटर ट्रेड। DLF तो डबल टॉप बना रहा है, ठीक है, DLF थोड़ा सा ट्रिकी है, ये दो स्टॉक है जो रडार पर रख सकते हैं हम लोग। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं, 9:45 तक का कैंडल ये कर लेते हैं, वेट 1 मिनट का। एक काम करता हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉल आ रहा है CNBC से, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे, जस्ट अ 2 मिनट ब्रेक बिकॉज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम CNBC। Please reply in the question box. Can we continue? Yes, 39,100 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। वापस मैं बोल रहा हूँ, करंट लेवल पे शॉर्ट मत करना, ठीक है, 39,100 के आसपास अगर मिलेगा ना तब शॉर्ट करना है। गैप अप देखकर बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, हमें शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करेंगे आज। बड़ा गैप अप है, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखो ना, इट हैज लास्ट 5 दिन का कैंडल देख लो, 6 दिन का कैंडल कंटिन्यूअसली बुलिश ही है ये, देखो यहाँ से, सो यहाँ से ये टर्न हो सकता है, पॉसिबल है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यू कैन सी हियर, तो बाइंग करना है नहीं, शॉर्ट ही करना है, बट थोड़ा सा और ऊपर जाने दो, उसके बाद करेंगे 39,100 के आसपास, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाने दो, 50-60 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने दो, 250 के आसपास अगर जाता तब हम लोग इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा आज स्मार्टली ट्रेड दे रहा हूँ, आज ज्यादा एग्रेसिवली हम लोग बाइंग ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है और गिर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आज शॉर्ट के ट्रेड पे ज्यादा फोकस करेंगे आज। शॉर्ट वाला स्कैनिंग कर लेते हैं, बिकॉज शॉर्ट में अगर कोई स्टॉक आ रहा है क्या, सिप्लाई है, सिप्ला डॉक्टर रेड्डी, यही दो स्टॉक है। सिप्ला में पैटर्न प्रॉपर नहीं है, बट पैटर्न 15 मिनट के चार्ट का तो पैटर्न प्रॉपर है ही नहीं, सिप्ला में हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना रही है। डॉक्टर रेड्डी का पैटर्न चेक कर लेते हैं, फार्मा काउंटर आज डाउन है एक्चुअली, डॉक्टर रेड्डी ने भी ये लेवल ब्रेक किया है, करेक्ट, ये लेवल ब्रेक किया है, डॉक्टर रेड्डी गिर सकता है इंट्राडे में, डॉक्टर रेड्डी कैन फॉल, यस, यहां तक आ सकता है 4,600 तक, 460 तक आ, 4610 तक आ सकता है ये डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। एक काम करते हैं, डॉक्टर रेड्डी में तो इंट्राडे ट्रेड ले ही लेते हैं, बिकॉज डॉक्टर रेड्डी काफी बेटर लग रहा है ट्रेड, इसमें इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी सेल एट द रेट 4650, स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन
4610 थोड़ा सा 5-7 रुपए का बाउंस भी आएगा तो शॉर्ट बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट लेवल पे ले लेते हैं हम लोग शॉर्ट। इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे मैंने लिखा है, चेक कर लो मैसेज मिल गया है क्या। व्हाट्सएप पे चेक करो, आपको मैसेज मिला होगा डॉक्टर रेड्डी का। ठीक है, सिप्ला नहीं करेंगे, सिप्ला का पैटर्न उतना प्रॉपर नहीं है। IRCTC भी नहीं करेंगे क्योंकि IRCTC भी बॉटम से रिकवर हुआ है। खाली एक डॉक्टर रेड्डी है जो कि थोड़ा बहुत बेटर पैटर्न लग रहा है शॉर्ट करने के लिए। और देखते हैं और कोई स्टॉक अगर मिल रहा है क्या। बाई में भी देख लेते हैं, मिड कैप काउंटर कोई आया है क्या। ABFRL में बाइंग हो रहा है, करेक्ट, सुजलॉन में बाइंग हो रहा है, राइट, सुजलॉन में बाइंग हो रहा है, ABFRL में बाइंग है, ONGC में बाइंग है, ट्राइडेंट में बाइंग है। कल हम लोग ने ट्राइडेंट देखा था याद है, बट सर्किट ही लगा हुआ था, मिला भी नहीं था हमें तो। प्रेस्टीज देख लेते हैं, प्रेस्टीज में ब्रेकआउट है, हुडको में ब्रेकआउट है, प्रेस्टीज में ब्रेकआउट है, ग्रेफाइट वापस चला तो ग्रेफाइट देखते हैं और प्रेस्टीज देखते हैं, ये दो स्टॉक वापस रडार पर आए। ठीक है, ग्रेफाइट तो हम लोगों ने पहले भी ट्रेड लिया हुआ है, प्रेस्टीज देख लेते हैं। प्रेस्टीज कौन सा है, ये प्रेस्टीज स्टेट है या क्या है। हाँ ये प्रेस्टीज, ठीक है प्रेस्टीज स्टेट है ये। ठीक है, ये दो स्टॉक देख लेते हैं, मिड कैप काउंटर, एक तो ये प्रेस्टीज, प्रेस्टीज में क्लियर ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट है इसमें, आवरली चार्ट पे भी क्लियर ब्रेकआउट है, यू कैन सी हियर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ सस्टेन करने दो, ये 500 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर ये 500 के ये जो ये देखो ये लेवल जो है ना, ये लेवल निकाल देगा ना तो ये ऊपर जा सकता है, और ये लेवल निकाल देगा ना, ये लेवल निकाला इसने लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे रहा है। थोड़ा सा सस्टेन होने दो, 500 का रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया है, 520 530 तक इजीली जा सकता है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा मार्केट वॉच में रखते हैं हम लोग। और एक और स्टॉक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कितने लोग को याद है, ग्रेफाइट याद है कितने लोग को याद है, ग्रेफाइट फ्लैट पैटर्न, हाउ मेनी फिर रिमेंबर, 420 के आसपास हम लोगों ने बाई दिया था, ये 20% का सर्किट लगा था फिर नेक्स्ट डे, याद है। यस, ग्रेफाइट में भी क्लियर ब्रेकआउट है वापस। ग्रेफाइट का मैंने आपको 600 का टारगेट दिया था, अगर आपको याद है, 600 का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी पे ध्यान देना, 39,100 के आसपास मिलेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, वापस मैं बोल रहा हूँ, 39,100 के आसपास मिलेगा ना तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आज बाइंग ट्रेड पे कम फोकस करना है, शॉर्ट ट्रेड पे ज्यादा फोकस करना है, बाइंग ट्रेड पे कम ध्यान देंगे आज, क्योंकि कभी भी मार्केट सेकंड हाफ में गिर सकता है, ये कॉशियस व्यू है, कभी भी मार्केट सेकंड हाफ में फॉल आ सकता है, तो थोड़ा बाइंग ट्रेड पे कम ध्यान देना है। यस, ग्रेफाइट में हम लोग बाइंग कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट, इसका पहले डेली चार्ट वगैरह चेक कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बहुत जगह है इसमें, कैन यू सी, बहुत जगह है इसमें, 600 700 कुछ भी जा सकता है, ये बहुत जगह है, करेक्ट, बहुत जगह है इसमें, 600 700 कुछ भी जा सकता है, ये स्पेस ही स्पेस है इसमें, 800 तक का भी स्पेस है इसमें। ग्रेफाइट वापस आप पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। बैंक निफ्टी अभी शॉर्ट नहीं करना है, 39,100 के आसपास ही शॉर्ट करेंगे, बैंक निफ्टी अभी नहीं करना है शॉर्ट, ग्रेफाइट पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग के लिए नहीं करना है, वेट 1 मिनट। थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं आपको मैसेज करूंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कॉशियस लग रहा है यहाँ से।
यस डॉक्टर रेड्डी फॉल होगा, यस डॉक्टर रेड्डी यू कैन सी गिरना स्टार्ट हो गया, 4600 तक आ सकता है। आज ये स्टॉक चलना चाहिए मेरे हिसाब से, एलगी इक्विपमेंट ये चलना चाहिए आज, क्योंकि ये पूरा कल कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें काफी मेजर ब्रेकआउट था एक दो दिन पहले, और आज मुझे लगता है ये चलेगा ये स्टॉक एलगी इक्विपमेंट। 360-362 का लेवल क्रॉस करेगा ना तो चलेगा ये। जसडेल कहाँ पर है, जसडेल चेक कर लेते हैं। आज कोई ज्यादा ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन यस आज कोई ज्यादा इतना ट्रेड नहीं मिला है, सिर्फ हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया है, डॉक्टर रेड्डी लिया है। मेरे हिसाब से मिलेगा स्टॉक, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप हुआ है ना, गैप अप होता है तभी थोड़ा सा आपको गैप अप गैप डाउन में स्मार्टली वेट करके वॉल्यूम देखकर ट्रेड करना पड़ेगा, यू कैन नॉट ट्रेड डायरेक्टली। लॉरा स्लैब भी शॉर्ट हो रहा है, लॉरा स्लैब में भी सेलिंग चालू हुआ है, लॉरा स्लैब भी चेक कर लेते हैं। आज शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे, लॉरा स्लैब इसमें भी सेल ऑफ है, यस इसमें भी सेल ऑफ है, ओ हो, लॉरा स्लैब भी इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो लॉरा स्लैब। लॉरा स्लैब भी शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। तो अभी तक मैंने आपको दो ट्रेड दिए, दोनों शॉर्ट ट्रेड ही दिए हैं, डॉक्टर रेड्डी शॉर्ट, लॉरा स्लैब शॉर्ट, परफेक्ट, दोनों शॉर्ट ट्रेड ही दिए मैंने अभी तक। प्रेस्टीज अभी तक हम लोग ने ट्रेड लिया नहीं है, और ग्रेफाइट में भी हम लोग ने ट्रेड नहीं लिया है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं एक बार। जसडायल में कल हम लोग ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, बट इसको थोड़ा आज हॉल्ट होगा ये, तो आज इसको थोड़ा वेट करते हैं। आज एमएनएम फाइनेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट मेरे को बैंक निफ्टी का ही डर है, बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में गिर सकता है, बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है एक्चुअली सेकेंड हाफ में, सो इसलिए थोड़ा वेट करना है। हिंडाल्को भी नहीं चल रहा है, मेटल काउंटर भी नहीं चल रहा है, ऊपर के लेवल से वापस सप्लाई आ रहा है। आज एलगी इक्विपमेंट चलना चाहिए मुझे लग रहा है। ये दोनों शॉर्ट ट्रेड दिए, ये दोनों शॉर्ट ट्रेड ओपन है, लॉरस लैब और डॉक्टर रेड्डी, ये दोनों परफेक्ट शॉर्ट ट्रेड है, ये दोनों ट्रेड मैंने दिए है। यस और चेक करते हैं अगर और कोई स्टॉक रेडार पर आ रहा है क्या, लेकिन आज थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, बाइंग में हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं ज्यादा, बाइंग में ट्रेड ले ही नहीं सकते आज। सेकंड हाफ में आज फॉल आ सकता है, वापस बोल रहा हूँ, कोई बड़ा पोजिशन मत लेना, कॉल बाय वगैरह मत लेना, सेकंड हाफ में बड़ा शॉर्ट पोजिशन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है सेकंड हाफ में। हुडको एक स्टॉक है वो देख लेते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लेते हैं। हुडको, हुडको एक स्टॉक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक देख लेते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड हुडको, LIC हाउसिंग फाइनेंस इसमें ब्रेकआउट है, आंसर इज यस, आवरली चार्ट पे तो क्लियर ब्रेकआउट है, डेली पे भी क्लियर ब्रेकआउट है, बट यहाँ पे कहीं पे अटक जाएगा, ये 400 से ज्यादा ऊपर लगता नहीं है। हुडको का क्या सीन है, हुडको भी ब्रेकआउट है, हुडको वीकली चार्ट देखेंगे, इसमें भी ब्रेकआउट तो है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वॉल्यूम कम है इसमें, ब्रेकआउट है वॉल्यूम कम है, गैप रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ पे कहीं पे जाके फंस जाएगा ये स्टॉक, गैप रेजिस्टेंस है यहाँ पे 45 के आसपास, नहीं लेना है आज, थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करेंगे आज, ऐसे ही ट्रेड नहीं करेंगे आज।
वी कैनॉट ट्रेड टेक लाइक दिस। थोड़ा सा 100 पॉइंट और ऊपर जाने दो, फिर बैंक निफ्टी शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट फॉर अनदर 100 पॉइंट, फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करेंगे हम लोग आज। बैंक निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा 100 पॉइंट वेट कर लो। 38,900 के आसपास है, 39,100, 39,000 के आसपास हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस लेना स्टार्ट करेंगे आज इंट्राडे में। फ्यूचर शॉर्ट करना चालू करेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, खाली लॉरस लैब लिया, डॉक्टर रेड्डी लिया, बस दो ही ट्रेड लिया है। ट्राइडेंट चलना स्टार्ट हुआ कल, मैंने दिया था भाई ट्राइडेंट, ये चलना स्टार्ट हुआ है, चेक कर लो। ट्राइडेंट चलेगा, एलगी इक्विपमेंट चलना चाहिए आज मेरे हिसाब से, ये दोनों स्टॉक चलने चाहिए आज। लॉरेंस लैब गिरना चालू हो गया, दस बज गया, दस बज गया। वापस एक बार आवरली चार्ट पे स्कैनिंग कर लेते हैं, कोई स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा ट्रेड मिल रहा है क्या? आवरली चार्ट पे स्कैनिंग कर लेते हैं, वेट 1 मिनट, स्विंग स्विंग के लिए कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है क्या? लॉरस लैब, अच्छा डाबर भी शॉर्ट आ रहा है, डाबर भी शॉर्ट आ रहा है अभी तो, ठीक है डाबर भी चेक करते हैं। ठीक है, फार्मा काउंटर, एफएमसीजी काउंटर आज शॉर्ट में है, फार्मा एंड एफएमसीजी ये शॉर्ट में आज। इंडियन होटल बाय आ रहा है, ठीक है इंडियन होटल बाय आ रहा है और डाबर शॉर्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। शॉर्ट ट्रेड पे आज ज्यादा फोकस करेंगे, डाबर शॉर्ट है, इंडियन होटल बाय है, इंडियन होटल बाय है, चेक करते हैं फटाफट इसको। डाबर शॉर्ट लग रहा है क्या? डाबर शॉर्ट, आवरली चार्ट देखते हैं, वेट 1 मिनट। यस डाबर शॉर्ट लग रहा है, ये लेवल ब्रेक करेगा तो और फॉल आ सकता है, ये थोड़ा सा सपोर्ट है 584 के आसपास। ठीक है 584 तोड़ेगा तो इसमें 7-8 रुपए का फॉल आ सकता है आराम से। इंडियन होटल क्या है? इंडियन होटल में भी ब्रेकआउट है, इंडियन होटल में और ब्रेकआउट तो दिया इसने, लेकिन ये ब्रेकआउट देता है सस्टेन नहीं करता, 205 210 के आसपास अटक जाता है, ये बहुत बार अटका हुआ है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर कितने बार अटकता है, बहुत बार अटकता है ये, कप पैटर्न बना रहा है, लेट इट मेक कप पैटर्न, कप पैटर्न बनने दो अच्छे से, उसके बाद ब्रेकआउट लेंगे, अभी फिलहाल नहीं लेंगे इसमें, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास है, कप पैटर्न बनने दो प्रॉपर, ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनना स्टार्ट हुआ इसमें, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है सेकेंड हाफ में 11-12 बजे के आसपास, फॉल आ सकता है, उसके बाद से फॉल आना स्टार्ट हो सकता है। शॉर्ट में ही रहना, लॉन्ग मत करना, थोड़ा स्मार्टली शॉर्ट में ही रहना। शॉर्ट डजन मीन कि आप दूर वाला नेकेड पुट बाई करके बैठो मिस्टर राजेश, वो नहीं करना है, नेकेड पुट बाई नहीं करना है, बेरिश स्ट्रैटेजी लेना है। 39,000 के आसपास मिलेगा तो मैं फ्यूचर शॉर्ट करने वाला हूं, ये मैं आपको क्लियरली अभी बोल देता हूं। एक और शॉर्ट ट्रेड लेते हैं आज, शॉर्ट में ही रहना, बाय में मत रहना, वापस बोल रहा हूं, बिल्कुल भी बाय में मत रहना, सेकंड हाफ में फॉल आ सकता है। एक और मैंने शॉर्ट ट्रेड ही दिया है, चेक कर लो।
एक और मैंने शॉर्ट ट्रेड दिया है डाबर का, शॉर्ट में ही रहना है आज, आज बाय में रहना ही नहीं है। ये भी इंट्राडे, डाबर, लॉरस लैब, डॉक्टर रेड्डी, तीनों शॉर्ट दिया है, तीनों इंट्राडे है। ये भी रिमूव कर देते हैं, इंडियन होटल भी रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे अभी जस्ट, ये घूम सकता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट देखो ना, घूम सकता है ये। कन्विक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे अटक सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कन्विक्शन नहीं है यहाँ पर। 39,000 के आसपास अटक सकता है ये बैंक निफ्टी। यहाँ पर एक लॉट तो मैं शॉर्ट कर ही देता हूँ, वेट 1 मिनट, एक लॉट तो मैं शॉर्ट कर ही रहा हूँ पहले, एक लॉट तो मैंने शॉर्ट कर दिया है, बाकी देखेंगे। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट करेंगे। और 39,100 के आसपास तक शॉर्ट करना है। थर्टी 39,100 इज अ वेरी ऑन द हायर साइड, वो हायर साइड हो गया, उतना मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है 39,000 का हाई बना के फॉल आ जाए। मैंने तो शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, अगर किसी को शॉर्ट करना आप शॉर्ट कर सकते हो। 38,900 का हाई बना है इसमें, करेक्ट। शॉर्ट करना स्टार्ट करना है, कर सकते हो, मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बैंक निफ्टी स्मार्टली ट्रेड करना, एक ही प्राइस पे 5-10 लॉट मत कर देना, अलग अलग प्राइस पे करना है। टारगेट 38,500, 38,600, दिस विल बी द टारगेट, ये टारगेट होगा 38,500, 38,600, ये पॉसिबल टारगेट है। मैसेज कर देता हूँ, वेट 1 मिनट, मैं मैसेज ही कर देता हूँ, इजी रहेगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल अराउंड 38,900 टू 39,100। SLB मैं दे देता हूँ आपको और टारगेट भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। 38,600, 38,500। मैंने आपको SLB दे दिया, टारगेट भी दे दिया, चेक कर लो मेरा मैसेज, मैसेज मिला क्या बैंक निफ्टी का, चेक कर लो मैसेज मिला, व्हाट्सएप पर मैसेज मिला, यस और नो, चेक कर लो। यस फ्यूचर शॉर्ट ट्रेड है, मैसेज मिला, प्लीज रिप्लाई ऑल द स्टूडेंट्स, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदेश, मैसेज मिला, यस और नो, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर शंकर दयाल सिंह, करेक्ट, रिसीव, ओके। सो अलग अलग प्राइस पे एक एक दो दो लॉट ऐसे शॉर्ट करना है, डायरेक्टली ऐसे ही शॉर्ट नहीं करना है, अलग अलग प्राइस रेंज में शॉर्ट करना है। अभी जैसे मैंने 38,770 के आसपास शॉर्ट किया था, अब मैं 950 के आसपास एक लॉट और शॉर्ट करूंगा, 39,000 के आसपास और शॉर्ट करूंगा, ऐसे करूंगा अलग अलग प्राइस पे। एनी वन वॉचिंग ट्रेंड प्लीज रिप्लाई, ट्रेंड ये मैंने कल ही बाय दिया था, 11:38 नाउ ट्रेंड, और मैंने आपको बोला भी था इसमें मूवमेंट आ सकता है, यस और नो। एनी वन वॉचिंग ट्रेंड, 11:40 नाउ, एनी वन वॉचिंग ट्रेंड, किसी ने ट्रेड किया ट्रेंड? मैंने आपको बोला भी ये स्टॉक चलेगा आज, ट्रेंड कल ही बाय दिया था मैंने, चेक कर लो ग्रुप में मैसेज, 11:40, ट्रेंड पे ध्यान देना, एलजी इक्विपमेंट पे ध्यान देना। ये मैंने आपको देखो
वेबिनार के स्टार्ट में ही बोला, ये दोनों स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। ट्रेंड चल गया, एनीवन टेकन अ ट्रेड प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। यस, कल आफ्टरनून वेबिनार में बाय दिया था, करेक्ट। ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड दिया था हम लोगों ने, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड दिया था, ये BTS नहीं था, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड था ये। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो, वापस बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग, शॉर्ट में ही रहना, बाय में मत रहना आज, शॉर्ट में ही रहना है। मैंने तो एक और लॉट शॉर्ट किया है, बैंक निफ्टी आज शॉर्ट में ही रहना है, बैंक निफ्टी में बाय रहना ही मत आज। सेकेंड हाफ में बड़ा फॉल आ सकता है, यस। बाइंग वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो ना स्मार्टली, क्योंकि सेकेंड हाफ में फॉल आ सकता है। आज थोड़ा मार्केट ट्रिकी है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, सेकेंड हाफ में लॉन्ग्स फंस सकते हैं, लॉन्ग जितने भी है ट्रैप हो सकते हैं, 11-12 बजे के बाद फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट में ही रहना। यू कैन सी माई पोजिशन, मैं शॉर्ट में ही हूँ, मैक्सिमम मेरा शॉर्ट ट्रेड्स है। मैसेज किया मैंने स्टॉप लॉस टारगेट, मिस्टर राकेश, स्टॉप लॉस टारगेट बैंक निफ्टी का मैंने मैसेज किया, चेक कर लो, स्टॉप लॉस टारगेट सब मैसेज किया मैंने। निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर क्यों? अच्छा निफ्टी, वैसे पेयर ट्रेड में, पेयर ट्रेड में आप निफ्टी फ्यूचर बाय बाय वाला स्क्वायर ऑफ कर दो, चलो ये कर सकते हो आप, निफ्टी बाय वाला फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दो, स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन पेयर ट्रेड वाला एंड दिस होल्ड, ठीक है, ये कर सकते हो आप, डू दिस, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, निफ्टी बाय वाले में प्रॉफिट बुक कर लो और बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल होल्ड कर लो, ये भी चलेगा, डू दिस एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन, ये कर लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। यस, ये भी कर सकते हो आप, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। कल जो पेयर ट्रेड दिया था ना, इसमें ये करना है, निफ्टी फ्यूचर में प्रॉफिट बुक कर लो और बैंक निफ्टी का फ्यूचर एज इट इज होल्ड रखो। अगर आपको एक लॉट इंक्रीज करना है, यू कैन इंक्रीज ऑल्सो वन लॉट, एक लॉट अगर आपको इंक्रीज करना है, वन लॉट मोर सेल एट 38,918, एक लॉट और शॉर्ट कर दो, चलेगा वो भी। आज शॉर्ट में ही रहना, आज आज बाइंग में रहना ही नहीं है, ठीक है, एक लॉट और अगर शॉर्ट करना है, एक लॉट और कर सकते हो आप। 38,500 तक का टारगेट है, 38,500, 38,600 ये टारगेट है, तो इसके हिसाब से आप रेडी रहना। यस, ये तीनों शॉर्ट, सॉरी, ये तीनों शॉर्ट ट्रेड ओपन है, करेक्ट, 11 बजे के बाद फॉल आना चालू होगा, मुझे लगता है 11-11:30 के आसपास, उसके बाद फॉल आना चालू होगा। फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों ने गैप अप में शॉर्ट किया होगा, तो एकदम से फॉल नहीं आने वाला है, थोड़ा पेशेंट टेस्टिंग होगा मुझे लग रहा है, उसके बाद फॉल आएगा, थोड़ा पेशेंट टेस्टिंग होगा। बट रहना शॉर्ट में ही है, बाइंग में नहीं रहना है। मैं आपको लास्ट 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट मत करना, शॉर्ट मत करना, शॉर्ट मत करना, और आज मैंने आपको वेबिनार में ओपन होते ही अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करना है। सो ये लेवल आ चुका है अभी,
यहाँ पर हम लोग शॉर्ट पोजिशंस बना सकते हैं और यहाँ से एक फॉल आ सकता है। निफ्टी मंथली स्ट्रेटजी, कौन सा मंथली स्ट्रेटजी लिया है? वीकली वाला लिया है ना, बैंक निफ्टी वाला वीकली वाला लिया है। अच्छा, मंथली जो हम लोगों ने कल कॉल वाला लिया वो आप होल्ड रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप सिनारियो बनाओ, यू विल अंडरस्टैंड मिस्टर विशाल, मेक सिनारियो यू विल अंडरस्टैंड, सिनारियो बना लो उसमें। इज इट निफ्टी ट्रेंड चेंज? नो नो नो, निफ्टी का ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट के ऑलरेडी 7-8 दिन से इतना ऊपर है, ओवरबॉट है, तो एक टेक्निकल पुल बैक या टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, ट्रेंड में अभी भी चेंज नहीं हुआ है। इट इज जस्ट कि एक टेक्निकल पुल बैक आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी इतना भागा है, 18,200 रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में 39,000 रेजिस्टेंस है, तो सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 38,500, 38,600 तक का इंट्रा डे टारगेट है। इज दैट पार्ट क्लियर? ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ट्रेंड को चेंज मत करना। यस, मंथली वाला स्ट्रैटेजी एज इट इज होल्ड रखना है। तो हम लोग ने आज ज्यादा ट्रेड नहीं लिए, तीन ट्रेड लिए हम लोगों ने, ये शॉर्ट वाले, ठीक है, लॉरस लैब, डॉक्टर रेड्डी, डाबर, ये तीनों शॉर्ट ट्रेड लिए। एमएनएम में कोई ट्रेड नहीं लिया, ट्रेंड में आपको प्रॉफिट बुक करना आप कर सकते हो, ट्रेलिंग एसएल करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पीआरएम जॉनसन हम लोग होल्ड कर रहे हैं, आंसर इज यस। एनएलसी इंडिया अगर आपको होल्ड करना आप कर सकते हो, केआर कंस्ट्रक्शन होल्ड कर रहे हैं, एलजी इक्विपमेंट होल्ड कर रहे हैं, आलोक इंडस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं। सो ये ट्रेड ओपन है, एनएलसी इंडिया में रिमूव कर देता हूँ, इसमें अगर आपको एग्जिट करना आप कर लो, बिकॉज इट्स अ स्लो मूविंग काउंटर, तो स्लो मूविंग काउंटर हम लोग मार्केट वॉच में नहीं रखेंगे। और बैंक निफ्टी हम लोग ने शॉर्ट किया है, इज दैट पार्ट क्लियर? ओपन पोजिशन क्लियर है, बैंक निफ्टी शॉर्ट और ये तीनों ट्रेड शॉर्ट लिए हैं, करेक्ट? ओके, आफ्टरनून वेबिनार में मिलते हैं। सेकंड हाफ में फॉल आ सकता है 11:30 के बाद में, ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, 38,500, 38,600 ये पॉसिबल टारगेट है, तो ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, करेक्ट? सी यू इन आफ्टरनून वेबिनार एट 2:30। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।